सौदागरों से पूछा भाई संगल दीप में जाने में कितना समय लगता है। नवल्या भाई रात के समय विश्राम करेगा तो आठ दिन, दिन रात चल लो चार दिन में पहुंच जा। भाई ध्यान करो, ने बोलिया भाई उसमें मुनाफा क्यों करो। भाई मुनाफा जब हो जिसका जहाज पहले पहुंचेगा वो फायदे में रहेगा। आदरणीय बिल्लू राम जी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। जब लड़का चल पड़ता है के रूई के नफे की बुझ है बात, लाला जी सैंगल दीप जंजीरे में किस भाग की बिक्री से पहुंच जाता है। सबसे पहले चंद्रगुप्त का जहाज पहुंचा, बोली के टेम सबसे ज्यादा कीमत हासिल करी, वापिस चले आज जहाज में बैठा। फिर ध्यान में आई एक बात कि भाभी दो चीज मंगाई थी, लाल और सच्चे मोतियों का जोड़ा। जिस भी सेठ की दुकान पर जाकर इस चीज का जिक्र करे, एक दुकान पर गया के लाला जी राम राम, के राम राम, के लाला जी दो चीज चाहिए थी। नवल्या भाई चीज बेचा, हाँ सारी चीज मिला है। नवल्या भाई सुई तले के साफटते हैं सब के हम रखे। लाला जी लाल और सच्चे मोतियों का जोड़ा चाहिए। शेख नहीं था गुस्सा आया, उसके मुंह पर थप्पड़ मारे और धक्के जाके बजा दिया, क्योंकि लोगों शेख लोगों के एक रिवाज होती है, लड़की की शादी होती है विदा के टाइम लड़के को दिए जाते हैं लाल और सच्चे मोतियों का जोड़ा। सिद्धि गाड़ दे दी जाकर जनों छोरी का रिश्ता मांग लिया, धक्के जाके बजा दिया। सोचा भाई जुलम हो गए के पूत पराया छोटा दर्जा सारी उम्र रहेगा हर्जा। न्यू सोचा डूब के मर जाए, इस कुएं में पड़ गए। मंगाई थी लाल और सच्चे मोतियों का जोड़ा, मैं लेने में असमर्थ हूं बाबा जी। मैंने सोचा मर जाए तो फायदे में रहेगा। नवला भाई सोने लाल और सच्चे मोतियों का जोड़ा तो सेठ विदा के टेम छोरे दिया रहे, ये इतनी साधारण चीज नहीं है। एक काम कर, नगर के बहुत बड़े सेठ हैं जिनका नाम है धर्मपाल, धर्मपाल का एक लड़की है जिसका नाम है धर्मपाल की, उस लड़की की शादी है और जो ब्याहन खातर जो बरात आई है वो बंदड़ा है, वो कुरूप है, बुंडा है। उनने एक सुथरे छोरे की जरूरत है जो संगल दीप का नहीं हो, उनके ये दो काम कर दिए बारो ठीर फेरे, उसके ये दो चीज वतन न दे दे। वहां पर चला जाता है, उन सेठों ने ध्यान कराया भाई बहुत सुथरा लड़का, भाई कड़े का है, नाम बताया कि मैं आपुड़ से आया हूं। नवल्या भाई मारे दो काम कर दे के बारो ठीर फेरे। नवल्या लाला जी दो काम कर दूंगा लेकिन एक काम बदले मत हमने भी करना पड़ेगा, कि जो विदा पर चीज मिला करें लाल और सच्चे मोतियों का जोड़ा ये मन दे दिए और बहु न तम राख ली तारी ने। नवल्या भाई इसका श्रृंगार करो, इसने बंदड़ा बनाओ। कैसे बंदड़ा बनाया जाता है सुनिए।
इस लड़के का ढंग बदल दो, कपड़े नए पर आके बंगड़ी वाला भेष बना दे, सर पर मोड़ दर आके राजा उतान पाद में कड़े दिए बात वो धन्यु कर है, क्यों ब्याह करवा मेरा, क्यों जुलम करे और अड़े ठट दंदाओ ब्याह कर लाए रे झोरे का। हाँ छोरा राजी और शेर ने बोले भाई इस तरह सुधरा नहीं और यही है शंगार करो। ये कुछ एक युवा साथी भी बैठे हैं, ये शंगार होया करते बंदड़े के, आज तो ब्यूटी पार्लर में जा है, पहले हम ये शंगार होया करते सुनिए। पहलवान बताया था बिड्डा, आदरणीय बिड्डा पहलवान जी 100 रुपए से मान सम्मान आशीर्वाद देते हैं, पहलवान जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय ओम प्रकाश जी 50 रुपए से और सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। ओले पाक बांध राखड़ी ये श्रृंगार करे निवले लाला जी, बहुत निवल्या नहीं भाई, और शंगार रह रहे हैं, ये शंगार करो क्या की? सचिन के चाचा जी मेरे बहुत अजीज संजय मास्टर जी 50 रुपए से और सम्मान करते हैं,
दादाजी 100 रुपए से और सम्मान करते हैं बार बार। भाई प्रवीण मास्टर जी 100 रुपए से सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद। फिर भाई सचिन के मौसा जी प्रवीण मास्टर जी 100 रुपए से सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद। जब ये बातें कही वो सारे उस चंद्रगुप्त का बाहर के फिर एक बूढ़ा हलाला जी आया ने बोला भाई दूर हो जाओ उससे, इसने ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं, ने का आग्रह ना मनोबल ने बोला वो छाना छोरा जो घना अकलमंद है कैसे क्या कहता है। लालाजी ने बोला भाई चंद्रगुप्त सुन ले कि हाँ लालाजी ने बोला भाई आज तो न देखे मारे वो जवानी का दिन याद आ गया रखा दे हम भी इतने सुतरे थे इसे गाबरू थे जिस दिन मारे शर पर मोड़ बो गया क्या कह सुन कुछ तेरा जो कुछ मिला छना पे